अस्सलाम वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी को अस्सलाम मोहसिन अहमद गौरव खान जे समीर भाई इम्तियाज आलम तबसम बानो शमशेर आलम नूर आलम नाजनी बानो सभी का वेलकम है साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकम्मल हयात खिदमत हसरत मोहानी के बारे में और फिर पढ़ने वाले हैं फ़ानी बिदायूनी के बारे में कल वाले वीडियो में हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको मोमिन खान मोमिन के बारे में और शाद अजीमाबादी के बारे में कल वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था आज हम लोग हसरत मोहानी और फानी बिदायूनी और लास्ट में एम सी क्यू बेस्ड तीस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्लास यूपी टी जी टी डी त्रिपल एस बी टी जी टी एन वी एस इसी तरह यू जी सी नेट में भी साथियों यहां से आता है ठीक है ना मिलता जुलता सिलेबस है इसलिए इसमें भी आपको काम आने वाला है ठीक है बाकी कोई नए लोग हैं अगर वो क्लास नहीं लिए हैं तो लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर जीएस ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं चलिए देखते हैं हसरत मोहानी एक के मुजाहिदीन आजादी में से इनका नाम आता है जी उन्नाव साथियों उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां के ये रहने वाले थे तो इनका असल नाम है सैयद फजल हसन क्या नाम था सैयद फजल हसन और तखलुस ये क्या करते थे हसरत देखिए एक बात और याद रखिएगा एक नाम और आता है अबुल हसन अबुल हसन जो नाम है वो नाम है अमीर खुसरू का अब इसी में कंफ्यूज होकर कभी कभी हसरत मोहानी वाले ऑप्शन में आप अबुल हसन लगा देंगे हालांकि अबुल हसन नाम जो है वो अमीर खुसरू का है हसरत मोहानी का असल नाम है हसन क्या नाम है हसन। ठीक जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनकी पैदा वफात तेरह मई उन्नीस सौ इक्यावन ईस्वी को फरंगी महली लखनऊ यूपी में इनकी वफा हुई थी ठीक है ना इनके वालिद का नाम था अजहर हसन क्या नाम था वालिद का नाम अजहर हसन और वालदा मोहतरमा का नाम था शहर बानो बेगम और दादा का नाम था सैयद मेहरुल हसन क्या नाम था सैयद मेहरुल हसन हसरत के सात भाई बहन थी कितने भाई बहन थे सात भाई बहन थे हसरत की पहली बीवी का नाम निशातुन निशा बेगम है जो उनकी चचा बहन थी यानी इन्होंने से साथियों ऐसे तो दो शादियां इन्होंने की थी लेकिन जो पहली बीवी थी उनका नाम था निशातुन निशा बेगम हसरत मोहानी जब पहली बार जेल गए थे तो अपनी बीवी पर एक गज़ल कही थी जिसका रदीफ़ निशात है क्या है जिसका रदीफ़ निशात है और हसरत मोहानी तीन मरतबा जेल गए थे कितने मरतबा जेल गए थे तीन मरतबा हसरत मोहानी जब अलीगढ़ में आला तालीम हासिल करने गए थे तो उनकी हयात को देखकर लोगों ने उन्हें खाला जान कहकर पुकारने लगे मतलब हो सकता है बड़ा बड़ा बाल रखते हूं इसीलिए खाला जान खाला जान कहकर इनको अलीगढ़ के तलबा पुकारने लगे अलीगढ़ में बार बार मकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने इन्हें फर्द सियाह में इनका नाम दर्ज किया जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको पहले वार्निंग दिए जाने के जाने के लिए आपका नाम साथियों चढ़ा दिया जाता है कि अगर आप दूसरी बार भी गलती में पकड़े जाएंगे तो आपको फिर खारिज कर दिया जाएगा यानी निकाल दिया जाएगा तो इसी तरह हसरत मोहानी बार बार सियासत में जाते थे तो उनका नाम जो है ना फर्द सियाह में लिस्ट में यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था वार्निंग लिस्ट बोलेंगे ब्लैक लिस्ट नहीं बोलेंगे उसके बाद हसरत मोहानी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त नियाज फतेहपुरी थे देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि नियाज फतेहपुरी के बारे में कि हसरत मोहानी के सबसे करीबी दोस्त का नाम क्या था नियाज फतेहपुरी था क्या नाम था नियाज फतेहपुरी हसरत मोहानी ने बीए करने के बाद 1903 सौ ईस्वी में अपना सियासी कैरियर का आगाज किया था यानी बीए करने के बाद ये 1903 सौ ईस्वी में यानी जब वहां अलीगढ़ से इन्होंने बीए कर लिया तब ये सियासत के मैदान में आए जब 1916 में कांग्रेस का कांग्रेस में का, लीग का समझौता हुआ यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग होना चाहिए असल में क्या होता है कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ तो हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए यानी ये मुस्लिम लीग के सदर भी मुंतखब हुए थे ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो साथियों याद रखिए बंगाल विभाजन 1905 और मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में साथ कयाम में साथियों इसका अमल आया था। मुस्लिम लीग के जरिया पाकिस्तान की मांग कब उठी थी तो 1940 में कब साथियों 1940 में तो जब कांग्रेस में कांग्रेस का साथियों 1916 में अधिवेशन हुआ था यानी इसकी इजलास हुआ था तो मुस्लिम लीग के साथ उनका समझौता हुआ यानी गठबंधन हुआ तो हस, म, हसरत मोहानी जो है वो मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए थे उन्नीस में हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असम्बली के लिए मुंतखब हुए यानी यूपी से उन्होंने चुनाव लड़ा हसरत मोहानी पहले मुजाहिदीन आज़ादी हैं जिन्होंने 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज पेश की यानी मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ सबसे पहले इन्होंने साथियों पेश किया ठीक है ना ठीक ना जी क्या चलिए ठीक है? है कोई ठीक है चला आगे बढ़ें ओके आ, ओके वन सेकेंड उसके बाद आगे है हसरत मोहानी उर्दू के पहले शायर हैं जो अट्ठारह सौ सत्तावन ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों के कैद में रहना पड़ा यानी ये पहले जंग आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी में से हैं जिनको साथियों अट्ठारह सौ सत्तावन में अंग्रेज़ों ने क़ैद किया था हसरत मोहानी ग्यारह बार इन्होंने हज किया था इसीलिए इनका नाम जो आता है वो साथियों क्या बोलते हैं मुजाहिद आज़ादी में इनका नाम आता है ठीक है तसानीफ में साथियों यानी जो किताबें इन्होंने लिखी है उसमें से निकात सुखन मुशाहिदात जिंदा ये जो है ना क्या है खुद नविशत है हसरत का कलाम तेरह दीवानों में मुतकसीम है उर्दू उर्दुए देखिए, एक तो हमने जाना कि उर्दु ये मिर्जा गालिब के खतूत का मजमु है लेकिन एक उर्दू मिला जो ये रिसाला भी है उर्दु पहली बार उन्नीस ईस्वी में अलीगढ़ से शायद हुआ था और 1913 में उर्दूए म का आखिरी मजमु शाए हुआ था यानी इसके जो एडिटर थे ना वो साथियों हसरत मोहानी थे और ये पहली बार कब शाये हुआ 1903 ईस्वी में कब शाए हुआ 1903 ईस्वी में 1913 में हसरत मोहानी फैजाबाद से कैसरे हिंद नाम का एक उर्दू अखबार भी जारी किया कहाँ से साथियों फैजाबाद से देखिए अखबार और रिसाला बहुत पूछा जाता है इसलिए ध्यान दीजिए हिंद नाम का रिसाला किसने जारी किया तो हसरत मोहानी ने साथियों भी रिसाला किसने जारी किया तो हसरत मोहानी ने 1914 में के नाम से एक में रिसाला भी इन्होंने ही जारी किया था हालांकि एक तो साथियों तस्करा नाम का जो है वो एक खुद है किनका खुद पता आप लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ एक खुद है तस्करा और एक निकातु शोरा क्या निकातु शोरा नाम के साथ ये क्या है मीर तकी मीर का लिखा हुआ उर्दू श्राम का तस्करा है तो ये वो चीज नहीं है ये तद्थकिरतु शोरा तस्कर शोरा नाम से इन्होंने एक सेम आई रिसाला यानी जो तीन महीना पे एक बार निकलता है 1928 में हसरत मोहानी ने मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा शाये किया रोजनामा का मतलब होता है जो अखबार डेली निकलता है ना उसको बोलते हैं रोजनामा ठीक है चलिए तो ये मैंने हसरत मोहानी के बारे में आपको बतलाया कि इनकी पैदाइश 1880 वफात उन्नीस और इन्होंने जो रिसाला निकाला और बाद माधकरतुल शोरा और उसके बाद, बाद मुस्तिल तीन आप याद रखेगा जे उसके बाद आगे है मंतख अशार हसरत मोहानी के जो अशार हैं उसको भी आप एक नज़र में देख लीजिए करा गुजरेगा हरफ आरजू इस तब नाजुक पर गुजरेगा हड़फ आरज़ू इस तब नाजुक पर निगाह शौक इस मजमून रंगी को अदा कर दे। ये किनका है हसरत मोहानी का शेर है खिरत का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरत जो चाहे आपका हसन करिश्मा सास करे यह भी शेर किनका है साथियों हसरत मोहानी का है उसके बाद आगे है नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती मगर जब याद आती है तो अक्सर याद आती है यह भी शेर किन का हसरत मोहानी का तोड़कर अहदे शौक को महवे तमाशा देखिए तोड़कर अहदे शौक को महवे तमाशा देखिए तहर की नजरों से मसरूफ सजा हो जाइए यह भी शेर किन का हसरत मोहानी का है उसके बाद भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं ये भी शेर किन का हसरत मोहानी का है वो निगाह शौक को महवे तमाशा देखिए वो निगाह शौक को महवे तमाशा देखिए कहर की नजरों से मसरूफ सजा हो जाइए उसके बाद आगे है तोड़ कर करम ना आशना हो जाइए तोड़ अहदे कर करम ना आशना हो जाइए बंदा परवर जाइए आ अच्छा खफा हो जाइए बंदा परवर जाइए अच्छा खफा हो जाइए हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुद आरा कर दिया हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुद आरा कर दिया क्या किया मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया क्या किया मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया ये जितने भी अशहार हैं ये सारे के सारे हसरत मोहानी के साथियों गज़ल के मिसरे हैं उन्हीं के अशार हैं तो कभी कभी आपको अशार में से भी पूछा जाता है और हम लोग देख कर ऐसे भी साथियों समझ लेंगे अगर ये पढ़ा दिया जाएगा एक बार रटा दिया जाएगा तो आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा तो ये नहीं हमने हयात व ख़िदम हसरत मोहानी के बारे में पढ़ा अब हम लोग जानेंगे फ़ानी बिदायूनी के बारे में देखिए सबसे पहले हसरत मोहानी के बारे में आम तौर पर जो ज़्यादा नाम के बारे में पूछा जाता है इसी तरह फ़ानी बिदायूनी के बारे में ज़्यादा आपको क्या पूछा जाएगा नाम ही पूछा जाता है फानी बिदायूनी का असल नाम था शौकत अली खान क्या नाम था शौकत अली खान और ये तखलुस पहले करते थे शौकत और बाद में इन्होंने अपना साथियों शौकत से बदलकर फानी कर लिया इनका पैदाइश तेरह सितंबर सन अठारह सो उनासी में हुआ था ये। और वफात जो है ना बिदायू में हुआ था बिदायू शहर ये ये लखनऊ जी उत्तर प्रदेश में पड़ता है इंतकाल उन्नीस सौ इकतालीस हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था जी वालिद का नाम शिफात अली खान था जो एक थानेदार थे फानी ने अपनी पहली ग़ज़ल 1890 ईस्वी में कही थी जो रिंदाना ख्याल पर मुश्तमिल है रिंदाना ख्याल का मतलब होता है आजादाना ख्याल क्या होगा आजादाना ख्याल जैसे देखिए जो मन में आए एक आजादाना तौर पर शेर शायरी होती है ना तो एक रिंदाना ख्याल पर इनका क्या था मुश्तमिल था फानी ने अठारह में अपना पहला दीवान मुरतब कर लिया था लेकिन उनके वालि साहब ने उसे गुस्से से नजर आतिश कर दिया यानी जला दिया उसके बाद आगे ध्यान दीजिए शौकत अली खान शौकत अली खान शौकत अली खान फानी बिदायूनी ने शौकत की जगह फानी तखलुस अठारह ईस्वी में इख्तियार किया यानी अभी हमने पढ़ा था कि ये अपना पहले तखलस क्या करते थे शौकत लेकिन अट्ठारह सौ निन्यानबे में इन्होंने अपना शौकत की जगह फानी तखल्लुस कर लिया देखिए ऐसे तो बहुत सारे जिन्होंने अपना तखल्लु बदला जैसे साथियों आप हाली के बारे में पढ़ेंगे हाली का पहले तखलुस था खस्ता बाद में इन्होंने अपना तखल्ल कर लिया हाली इसी तरह साथियों हजी तखलुस था पहले मीर अनिस का बाद में इन्होंने अपना तखल्लु कर लिया अनिस इसी तरह साथियों असद तखलुस था मिर्जा गालिब का इन्होंने बाद में अपना तखल्लुस कर लिया क्या गालिब तो ये सब जो है ना आपको जानना भी है चलिए फाली फानी के फानी बिदायून बिदायूनी शायरी में हाली से मुतासिर नजर आती हैं किससे हाली से मुतासिर नज़र आती हैं फानी के कलाम में गुरबत का लफ्ज़ बार बार आया कौन सा लफ्ज बार बार आया पूछ लिया जाएगा कभी कभी आपको तो फानी के कलाम में गुरबत लफ्ज जो है बार बार आया है फानी की गजल की खसूसियत कनूतीयत है क्या है साथियों साथियोंतीयत देखिए कनूतीयत का मतलब होता है मायूस या नाउमीद नाउमीदी जिसको बोलते हैं ना नाउम्मीदी तो वही साथियों ये क्या इनके इसमें कुनूतियत यानी नाउमीदी ठीक है ना जे जिंदगी का एक तारीख पहलू जिसे हम लोग बोलते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी ने फानी को यासियात का इमाम कहा है यासियात दे यास 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 भी साथियों मायूस होने में ही आता है और यासियात वही मायूस होने का ही माना देता है तो यासियात का इमाम फानी बिदायूनी को कहा जाता कल हमने पढ़ा था कि ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू का हाफिज शायर कहा जाता पढ़ा है ना? जी इसी तरह आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी को यासियात का इमाम कहा जाता जी तो यासियात का इमाम किसने कहा था तो साथियों फानी बिदायूनी ने वह अस वक्त जी का मजिद किसको कहा जाता है तो मीर तकी मीर को कहा जाता चलिए 1906 ईस्वी में जब फानी बिदायूनी अलीगढ़ में थे तो उनका दूसरा दीवान चोरी हो गया फानी ने दो मरतबा हैदराबाद का सफर किया कितनी बार दो बार उसके बाद आगे है फानी माहनामा तस्नीम के मदीर आला थे जो दिसंबर 1930 से निकलना शुरू हुआ था ठीक है ये बात भी आप याद रखिए और इनके कारनामे जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं है। फानी के कुल चार मजमु शाये हुए कितने मजमू चार मजमु कौन कौन से हैं एक एक करके आप देखिए पहला मजमुआ कलाम है दीवाने फानी क्या है साथियों दीवाने फ़ानी दूसरा मजमु कलाम है बात फानी तीसरा मजमु कलाम है साथियों उसका नाम है उर्फिया उर्फ़ उर्फिया उर्फान्यात इर्फानातिय फानी क्या इर्फानातिय फानी और जी चौथा मजमु कलाम है इनका वजदानियाते फानी क्या वजदानियात फानी तो फानी के टोटल जो मजमु कलाम है वो साथियों टोटल चार है नसरी तसानी इनके देखते हैं कौन कौन से हैं नसरी तसानीफ वो है शेरो शायरी नसर में लिखा हुआ है नसर जी मुजना नजमो गजल मुजना नजमो गजल ऐसे तो हमने पढ़ा है अनीसो कि मुजना दबीर किनका लिखा हुआ पता है आप लोगों को मवाजना मुजना दबीर जो कि एक तकबिली तनकीद की ईजाद है ये साथियों शिबली नमानी का लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमसे वो नहीं पूछा गया मुजना नज्मो गजल मुना का मतलब होता है जे क्या मुजन का मतलब होता है साथियों एक दूसरे में कंपेयर करना ठीक है ना दस्तूरह यह भी फानी का क्या है साथियों नसरी तसनीफ है अब फानी बिदायूनी के मुंतब अशार जो है उसको हम लोग देखते हैं जी चलिए देखते हैं क्या क्या है बिजलिया टूट पड़ी जब वो मुकाबिल से उठा बिजलिया टूट पड़ी जब वो मुकाबिल से उठा बिजलिया टूट पड़ी जब वो मुकाबिल से उठा मिलके पलटी थी निगाहें के धुआं दिल से उठा जी धुआं दिल से उठा आंसू थे सो खुश्क हुए जी है के उंड़ा आता है दिल पे घटा छाई है खुलती है नौ बरसती है तेरी आमद के तस्दीक तेरे जलवों के निसार तेरी आमद के तस्दीक तेरे जलवों के निसार आ मेरी कब्र पे आ हश्र का सामा भी ला आ मेरी कब्र पे आ हश्र का सामा भी ला ही कहो तुम्हें अपना बना के क्या पाया तुम ही कहो तुम्हें अपना बना के क्या पाया मगर यही के जो अपने थे सब पराये हुए ये भी शेर किन का है फ़ानी बिदा यूनी का है ठीक है ना साथियों फ़ानी बिदा बिदायूनी का है। तो ये फ़ानी बिदा यूनी के अशार थे और फ़ानी बिदा यूनी के बारे में हमने ये पढ़ा कि इनकी जो पैदाइश है वो साथियों अट्ठारह सौ उनासी में हुई थी बिदायू शहर में और इनकी जो वफात है फ़ानी बिदा यूनी की वो साथियों हमने पढ़ा कि हैदराबाद में इनकी वफात हुई थी और उन्नीस सौ इकतालीस में और इनको जो है ना क्या यासियात का इमाम कहा जाता है ये साथियों हमने पढ़ा है अब आगे चलते हैं कुछ मारूजी सवालात हैं कोशिश कीजिएगा कि हर एक सवाल का आंसर आप खुद से दें ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है हसरत मोहानी का असल नाम क्या है अबुल हसन फजलुल हसन शौकत अली खान अली मोहम्मद देखिए हसरत मोहानी इनका साथियों जिनकी पैदाइश 1880 में साथियों मोहान ये के उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था जिनकी वफात उन्नीस में फरंगी महली लखनऊ में हुआ था इनका जो साथियों नाम था वो क्या था, क्या था? क्या था? खुसरू का नाम है और अमीर खुसरू को साथियों क्या कहा जाता है तो हिंद कहा जाता है क्या कहा जाता है तो हिंद कहा जाता जदीद उर्दू गजल को सिमतो रफ्तार किसने अता की गालिब ने मानी बिदायुनी ने हसरत मोहानी ने शाद अजीमाबादी ने चलिए क्या होगा बहुत शानदार जी चलिए जदीद उर्दू गजल को सिमतो रफ्तार किसने عطا की तो साथियों ये हसरत मोहानी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है रिसाला उर्दूए मुअल्ला के मुदीर कौन थे जी उर्दूए मुअल्ला खतूत गालिब ये सब तो अलग चीज है वो तो मिर्जा गालिब का लिखा हुआ है लेकिन यहां रिसाला के बारे में पूछा जा रहा है सर सैयद अहमद खान मौलवी मोहम्मद बाकर राशिदुल खैरी हसरत मोहानी रिसाला उर्दू मोहल्ला के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये एक रिसाला है जिसे कि हसरत मोहानी ने साथियों उन्नीस में अलीगढ़ से निकाला था और आखिरी बार ये उन्नीस में निकला था ठीक है ना यही ना हमने पढ़ा तो साथियों इसके मुदीर कौन थे तो हसरत मोहानी कौन थे हसरत मोहानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन जैल में हसरत मोहानी किसके एडिटर हुए मुअल्ला के महब हिंद के जमींदार के दिल्ली उर्दू अखबार के दहली उर्दू अखबार के तो साथियों के वो क्या थे एडिटर हुए थे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा चार नंबर का अगला क्वेश्चन है पांच नंबर में कि का नाम चुनू पड़ गया और चुनू का तो चाहे आपका हुसने करिश्मा साज करे जे? किसका शेर है ये फानी बिदा यूनी का फिराक गोरखपुरी का हसरत मोहानी का फैज अहमद फैज का जी खिरत का नाम जुनू पड़ गया और जुनू का खिरत जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे यह शेर साथियों किनका है हसरत मोहानी का किनका है हसरत मोहानी का ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन है कि गरा गुजरेगा हड़फे आरजू इस तब नाजुक पर करा गुजरेगा का फे आरजू इस तब नाजिक पर नाजुक पर निगाह शौक इस मसमून रंगीन को अदा कर दी ये शेर किनका है ये अफसोस का मोमिन का हसरत मोहानी का आजाद का चलिए जी ये, ये भी शेर साथियों किनका है तो यह शेर भी है हसरत मोहानी का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है इसे सियासी सरगर्मियों सरगर्मियों की वजह से जे क्या कहा जा रहा अंग्रेजों की कैद में रहना पड़ा अठारह की जंग आजादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे साथियों अंग्रेजों ने कैद किया था जोश मलिहाबादी जिगर मुरादाबादी हसरत मोहानी और फिराक गोरखपुरी तो इसमें नाम आएगा क्या साथियों हसरत मोहानी ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आठ नंबर में फ़ानी बिदायूनी का असल नाम क्या है फानी बिदायूनी का असल नाम क्या है जाफर अली खान शौकत अली खान जफर अली खान हसन। फानी बिदायूनी पूछा गया फजरुल हसन तो ये तो साथियों किनका नाम है जी हसरत मोहानी का फानी बिदायूनी का असल नाम है शौकत अली खान एक बार वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे पनूतीत किसकी गजल की खसूसियत है त किसकी गजल की, की खसूसियत है मोमिन खान मोमिन जिगर मुरादाबादी फानी बिदायूनी और असगर गोंडवी ये यासियात का इमाम भी साथियों कहा गया है किन को फानी बिदायूनी को तो कुतियत किन की गजल की खसूसियत हैत किन की गजल की खसूसियत है क्या होगा राइट आंसर चलिए नौ नंबर क्वेश्चन का तो साथियों क्या होगा आपका फानी बिदायूनी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट right हो जाएगा अगला क्वेश्चन पानी का इब्तदाई तखलस क्या था अली था शौकत था शाद था और अजीम था देखिए पानी बिदायूनी के बारे में हमने ये पढ़ा कि इनकी पैदाइश जो है वो बिदायूं शहर में अट्ठारह में हुई थी और इनकी जो वफात है साथियों वो 1941 में हैदराबाद में हुई थी और हमने ये पढ़ा कि ये पहले तखल्स क्या करते थे शौकत और अट्ठारह में इन्होंने क्या किया अपना तखल्स शौकत से बदलकर फ़ानी कर लिया तो इनका पहले तखलस क्या था शौकत था ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा है हसरत को फिराक को फानी बिदायूनी को और असगर गोंडवी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा है यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने साथियों किनको कहा है तो फानी बिदायूनी को कहा किनको कहा है फ़ानी बिदायूनी को कहा है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया? असगर गोंडवी, गोरखपुरी, चंगेजी, फानी तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फानी हैदराबाद मदफन का मतलब यह होता है कि इनको इनकी जो वफात हुई इनका कबर कहाँ है वो बताना आपको यानी दफन होने की जगह तो मदफन साथियों हमने यह पढ़ा कि अट्ठारह सो उनासी में फानी बिदायूनी बिदायू शहर में पैदा हुए और उन्नीस सौ इकतालीस में हैदराबाद में इनकी वफात हुई तो हैदराबाद इनका मदफन हुआ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हसरत मोहानी के वालिद का नाम क्या है अब्दुल्ला बेग सैयद अजहर हुसैन शौकत अली खान गालिब मिर्जा बहुत सिंपल है अब्दुल्ला बेग तो मिर्जा गालिब के साथियों वालिद का नाम है इसलिए ये नहीं होगा आपका शौकत अली खान ये तो साथियों फानी बिदायूनी का नाम है ये नहीं होगा गालिब मिर्जा तो है ही नहीं तो इसलिए आपका हो जाएगा सैयद अजहर हुसैन जो कि एक थानेदार थे इसीलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फान हसरत मोहानी का इंतकाल कब हुआ था उन्नीस सौ इक्यावन 1880 और 1879 1941 अभी ही मैंने आपको पढ़ाया कि हसरत मोहानी 1880 में पैदा हुए और 1951 में इनकी वफात हुई ठीक है ना 1880 में ऐसे प्रेमचंद के बारे में भी आता है 1880 में ऐसे कि महमूद शीरानी के बारे में भी आता है ठीक है ना तो उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में चर्चा करूंगा लेकिन यहां पे हमें इनका साथियों इंतकाल निकालना है किनका हसरत मोहानी का तो ये आपका होगा 1880 ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना और 1951 इनका वफात है और साथियों 1879 फानी बिदाईनी पैदा हुए थे और 1941 में इनकी वफात है। हैदराबाद में किनकी फानी की तो हमारा तो 15 का क्या होगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन हसरत मोहानी ने कितनी बार हज किए थे 12 बार 10 बार 11 बार और 7 बार हसरत मोहानी को जब वो अलीगढ़ में गए थे तो इनके बच्चे इनके मतलब त को देख कर वहां लोग खाला जान करके पुकारते थे और हसरत मोहानी ने साथियों टोटल जो है वो ग्यारह बार इन्होंने हज किया था कितनी बार ग्यारह बार ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उर्दुए रिसाला उर्दुए महा से निकलता था और पहला शुमारा कब शाये हुआ कलकत्ता से उन्नीस सौ बारह में अठारह सो अस्सी में लखनऊ से उन्नीस सौ तीन में अलीगढ़ से और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं क्या पूछा गया उर्दुए म उर्दूए मल्ला के पहले जो एडिटर ये मुदीर हुए वो साथियों कौन हुए हसरत मोहानी तो ये पे जो पहला इसका एडिशन निकला था वो अलीगढ़ से 1903 सौ ईस्वी में निकला था ठीक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा और 1913 में इसका आखिरी एडिशन निकला यानी इसको बंद कर दिया गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है फानी बिदायूनी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था शौकत अली खान शिफात अली खान अजीज अहमद महीदीन इसके फानी बिदायूनी के वालिद का नाम फानी बिदायूनी की पैदाइश अट्ठारह वफात 1941 हैदराबाद पैदा ये बिदायू शहर में तो इनके वालिद मोहतरम का नाम था शिफात अली खान क्या नाम था शिफात अली खान ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फानी बिदायूनी शायरी में किस से मुता नजर आते हैं किस से मिर्जा गालिब से वली दकनी से हाली से सिराज औरंगाबादी से मैंने अभी आपको जो पढ़ाया था फानी यूनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह शायरी में किस से मुतासर नजर आते हैं तो साथियों ख्वाजा अलताफ हुसैन हाली से यह मुतासर नजर आते किस से? खाजा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाल ही से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ये, ये शेर है एक शेर है चलिए क्या शेर है दिल का उजड़ना सिहल सही बसना सिहल नहीं जालिम बस्ती खेल नहीं बस्ते बस्ते बस्ती है बहुत अच्छा शेर है ये। दिल का उजड़ना सही नहीं नहीं जालिम बस्ती खेल नहीं, बस्ते 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 बस्ती है इनका शेर है ये सिराज औरंगाबादी का वली दकनी का हसरत मोहानी का फानी बेदा का बीस नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर बहुत शानदार एक बार आप लोगों ने साथियों जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा ये शेयर है साथियों का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फानी बिदा के कुल चार मजमु शाये हुए मंदरजा जैल में चौथे मजमु का नाम बताइए यानी इनके जो चार मजमु कलाम था तो ये तो आपको पता है लेकिन चौथा मजमु कलाम का नाम बताना दीवान फानी बाकी इरफानियाते फानी, फानी, फानी। देखिए अगर आप साथियों पढ़े हैं फानी बिदा यूनी के बारे में तो बहुत अच्छे ढंग से आप बता देंगे कि फानी के टोटल चार मजमु कलाम जो थे उसमें से पहले का नाम था दीवाने फानी तो ये तो पहले में आएगा अच्छा दूसरे का नाम था बाकियाते फानी ये दूसरे में आएगा तीसरे का नाम था साथियों इरफानियात फानी और चौथे का नाम था वजदानियात फानी तो हमें चौथा के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट right हो जाएगा कोई मातम करे मेरे लिए क्यों कोई मातम करे मेरे लिए क्यों सजा जीने की है इतना जिए क्यों सजा जीने की है इतना जिए क्यों ये शेर किनका है वली दकनी का सिराज औरंगाबादी का फानी बिदायुनी का शाद अजीमाबादी का जी बाईस नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर एक बार सभी लोग बताइए बाईस नंबर तो देखिए याद रखिए कोई मातम करे मेरे लिए क्यों सजा जीने की है इतना जिए क्यों ये जो शेर है वो साथियों किनका है शाद अजीमाबादी का है किनका है शाद अजीमाबादी का यह शेर है शाद अजीमाबादी का यह शेर है ठीक है जे सारे लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं अगला क्वेश्चन है शाद अजीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू किसने कहा शाद अजीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू किसने कहा रशीद अहमद सिद्दीकी ने नूरुल हसन नकवी ने फिराक गोरखपुरी ने मोहम्मद हुसैन आजाद ने शाद अज़ीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू किसने कहा याद रखिएगा, नूरुल हसन नकवी ने कहा था ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चौबीस में शाद अज़ीमाबादी एक गजलगो शायर है वो मुंदरजा जैल में किससे मुतासिर थे देखिए अभी तो हमने पढ़ा कि फानी बिदायूनी हाल ही से मुतासिर थे लेकिन शाद अजीमाबादी किससे मुतासर थे ख्वाजा मीर दर्द से मीर तकी मीर से वली औरंगाबादी से और मिर्जा गालिब से शाद अजीमाबादी किन से थे? थे तो वो साथियों मीर तकी मीर किन से थे? मीर तकी मीर से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मोमिन खान मोमिन मोमिन खान मोमिन को मोमिन खान मोमिन की शायरी को मकराना शायराना का नाम किसने दिया था जी वली दकनी ने फिराक गोरखपुरी ने नूरुल हसन नकवी ने जिया अहमद बिदायूनी ने साथियों लगा लीजिएगा स्टार पॉइंट में इसको वी वी में ठीक है ना मोमिन खान मोमिन की शायरी पूछा जा रहा है कि मकराना शायरी का नाम किसने दिया था याद रखिएगा जिया अहमद बिदायूनी ने किसने दिया जिया अहमद बिदायूनी ने ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मोमिन खान मोमिन के शायरी के उस्ताद कौन है वली दकनी शाह नसीर सिराज औरंगाबादी और उसके बाद है मीर तकी मीर मोमिन खान मोमिन के शायरी के उस्ताद कौन है मोमिन खान मोमिन के शायरी के उस्ताद हैं शाह नसीर कौन है साथियों शाह नसीर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा गालिब को हैवान जरीफ किसने कहा था गालिब को हैवान जरीफ फिराक गोरखपुरी ने मीर तकी मीर ने मोहम्मद हुसैन आजाद ने ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या पूछा जा रहा है गालिब को हैवान जरीफ तो याद रखेगा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब को हैवान जरीफ कहा था ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा में है, आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह किसने कहा था मुस्हफी ने फिराक गोरखपुरी ने नूरुल हसन नकवी ने राम बाबू सक्सेना ने किसका साथियों अखलाकी शायरी का बादशाह अखलाकी शायरी का बादशाह आतिश को फिराक गोरखपुरी ने कहा था किसने कहा था फिराक गोरखपुरी ने कहा था इसीलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आतिश शायरी को इश्को मोहब्बत का आयना किसने कहा आतिश की शायरी को इश्को मोहब्बत का आयना किसने कहा मुसहफी ने कहा फिराक गोरखपुरी ने कहा अब्दुल सलाम नदवी ने कहा नूरुल हसन नकवी ने कहा ये इश्को मोहब्बत का आयना किसने कहा तो ये बात साथियों कही है अब्दुलसलाम नदवी ने किसने अब्दुलसलाम नदवी ने ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन है मीर तकी मीर मीर खमीर किसने कहा मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा रशीद अहमद सिद्दीकी ने कायम चांद पूरी ने हाली ने और फिराक गोरखपुरी ने मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा तो साथियों इनको जो मीर खमीर कहे हैं वो है कायम चांद पूरी ने कहा था ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है तो साथियों इस तरह टोटल तीस क्वेश्चन और हसरत मोहानी फ़ानी बिदाईनी इनके बारे में हमने पढ़ा है अब एक अहम ऐलान आपसे करना है वो ये है कि अगर आप डी ट्रिपल एस बी टी जी टी यू पी टी जी टी एन वी एस इसी तरह और भी अदर किसी कंपेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास तो आपके लिए रेगुलर चल ही रहा है ठीक है अब तक हमने साथियों तेरह क्लास आपको लिया है न्यू बैच के अंदर जिसमें हमने लिसानियात से ज़बान के ख़ानदान को उठाया गालिब को पढ़ा वली दखनी को पढ़ा सिराज औरंगाबादी को वली औरंगाबादी वली दखनी दोनों एक ही है उनको पढ़ा हमने उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द को पढ़ा मीर तकी मीर को पढ़ा उसके बाद साथियों मोमिन खान मोमिन को पढ़ा ख्वाजा हैदर अली आतिश को हमने पढ़ा उसके बाद हसरत मोहानी को पढ़ा फानी बिदा यूनी को पढ़ा शाद अजीमाबादी को, को पढ़ा इन सब के बारे में हमने पढ़ा तो टोटल तेरह क्लास में इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है तो मैं साथियों अब अगला वीडियो जो है ना वो सौ ऑब्जेक्टिव का आने वाला है जितने सारे अभी तक क्लास किए ना तेरा क्लास इसको खूब अच्छे ढंग से रट लीजिएगा खूब अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ डेली का आपको भेज रहा हूं इसी तेरा क्लास में से सौ ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और देखता हूं आपका कितना सही होता है ठीक है ना आपके लिए बेहतर रहेगा रिविजन भी हो जाएगा याद भी हो जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे बाकी साथियों जो लोग भी नहीं जुड़े हैं हमारा क्लास नहीं लिए हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लास ले लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जी यह आपका होमवर्क है रह गया कि जो तेरह वीडियो आपने साथियों पढ़ा है उस तेरहों वीडियो का पी एक बार आप उसको रिविजन कर लीजिएगा जो आपको याद ना हो कि किसको किसने कहा है जी वो असवकत का इमाम यासियत का इमाम कुत शायर इसी तरह मकराना शायर जी तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार याद कर लीजिएगा ठीक है किसी को और कुछ पूछना है जी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या समझ में नहीं आ रहा आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं आमिर साहब इकबाल ऑल क्वेश्चन नंबर जी कितना नंबर क्या कह रहे हैं सुजात अली कितना नंबर क्वेश्चन है पंद्रह नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है जी बताएंगे कितना नंबर क्वेश्चन आप बोल रहे हैं ठीक है बिल्कुल तो आप लोग तैयारी कीजिए बस देखिए आप जो भी क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए क्या हसरत मोहानी क्वेश्चन नंबर पंद्रह में क्या है वन सेकेंड देख लेता हूं असरत मोहानी का इंतकाल कब हुआ अच्छा 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 ये मैंने आपको पैदाइश के बारे में बता दिया ठीक है इसका ऑप्शन ए होगा यानी उन्नीस ठीक है जी मैं नहीं आऊंगा कभी कुछ समझ में नहीं ठीक <laughs> है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलता हूँ फिर आपसे साथियों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज शुक्रिया